स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी के डिफरेंट स्कूल्स हैं, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, बिहेवियरिज्म, ठीक है। सिगमंड स्कूल ऑफ साइकोलॉजिस्ट है, गैल्स्टॉट है, ह्यूमनिस्टिक है, एग्जिस्टेंशियल स्कूल है। देखिए स्ट्रक्चरलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट किया था वंडट ने, ठीक है। वो कहता है कि स्ट्रक्चरलिज्म का मेन मकसद जो है कि वो एलिमेंट्स फाइंड करना जो मेकअप द माइंड, जो बंदे का माइंड बनाते हैं, ठीक है, वो एलिमेंट्स फाइंड करने हैं स्ट्रक्चरलिज्म में। वो चीजें फाइंड द एलिमेंट्स विच मेकअप द माइंड, जो बंदे का माइंड बनाते हैं, ठीक है। इसमें इसके एलिमेंट्स, इनमें इंट्रोस्पेक्शन का पता होना जरूरी है ना। फंक्शनलिज्म क्या चीज है ना, देखिए फंक्शनलिज्म इसमें फंक्शनिंग ऑफ मेंटल प्रोसेस, ठीक है, मेंटल प्रोसेस की सारी फंक्शनिंग एंड हो द माइंड्स वर्क वाज सीन इन अ स्पेसिफिक मैटर, क्या बंदे का दिमाग किस तरह काम करता है इन अ स्पेसिफिक मैटर, ठीक है। इसमें आप सप्लीमेंट्री डाटा भी फाइंड कर सकते हैं। आगे चलते हैं बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म में जे बी वॉटसन ने प्रेजेंट किया था, कहते हैं कि जी ट्रायल और एरर की बेस पे हम क्या करते हैं जी, लर्निंग प्रोसेस को स्ट्रेस करते हैं ताकि हमें एसोसिएशन आ जाए बिटवीन आपका स्टिमुलस रिस्पांस तो दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसमें तीन बेसिक चीजें होती है, फ्रीक्वेंसी, रिकरेंसी और लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। ये तीन चीजें उसने बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी कि कितना फ्रीक्वेंटली आप करा रहे हैं, कितना वो जल्दी रीअकर हो रहा है और लॉ ऑफ अफेक्ट कितना अफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और पॉलर ने इसने लेटर ऑन क्या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इंप्लीमेंट कराई थी। सिगमंड स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं। देखें ये एक हॉलीवुड का बंदा था, स्क्रीन राइटर था, स्टोरीज ऑफ राइट करता था। वो कहता है कि जी हमारे पास तीन ही चीजें होती हैं, तीन लेवल्स होते हैं, एक कॉन्शियसनेस, एक सबकॉन्शियसनेस, एक अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ठीक है। ये तीन डायमेंशंस हैं एक पर्सनैलिटी की बेस पे, जिसमें आप उसकी आईडी, उसकी ईगो या सुपर ईगो या उसके सारे बिहेवियर का, उसकी सारी साइकोलॉजी का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियसनेस को स्टडी करके गैल्स्टॉट थ्योरी है, ठीक है। गैल्स्टॉट थ्योरी है, इसको किसने क्या कहा था, अच्छा इसके साथ तीन बंदे और भी थे, वो जो है ना जो उसके प्रोपोनेंट्स थे, ठीक है, जिसमें वेल्टेर, कोलकर और काफ्का थे, ठीक है। इस ये कहता है कि गैल्स्टॉट कहता है कि जो माइंड है, जो हमारा दिमाग है, वो रिजल्ट ऑफ होल बॉटम एट सेंसिटिव, जो सारी एक्टिविटीज हैं वो सारी हमारे रिलेशनशिप बताती है अपने ही पैटर्न के अंदर, ठीक है। कि आपका जो भी माइंड बनता है, जो आपका जहन बनता है, वो सारी आपकी सोचों स्टार्ट से लेकर एंड तक सारी जो आपकी सोचें होती हैं, जो आपकी सेंसरी एक्टिविटीज होती हैं, जो आपके रिलेशनशिप पैटर्न होते हैं, उन सारों का क्या होता है, रिजल्ट होता है जो आपका दिमाग है, जो माइंड आपका बनता है, ठीक है। दे आर मेंटेन और मेंशन That of mind is not made up in the combination of simple elements. वो बिल्कुल एक सिंपल एलिमेंट्स का मजमू नहीं होता, जो आपकी सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनका रिलेशनशिप होता है विद इन इट्स पैटर्न, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक स्कूल है, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक में कार्ल लोगन ने कहा था जी, ये कहता है जी ये जो सारा होता है, आप क्या कहते हैं, आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्या आप एक बंदा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव करना चाहिए। और इसमें प्रसीव्ड थ्रेट्स और डिफेंस और रिचन, ये जो सारी चीजें हैं इंसानों का, उसका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। इंसान सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाता है, इसमें सारी जो चीजें होती हैं उसके, मतलब आपके जो सारे गोल्स होते हैं उसके सारे इकट्ठा लेके अपने आप को ज्यादा से ज्यादा एक्टिव बनाने की कोशिश करता है। एग्जिस्टेंशियल स्कूल क्या है, ठीक है।
एग्जिस्टेंशियल स्कूल है, तो आप क्या करते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है अपने पर्सनल आइडेंटिटी को मेंटेन रखने के लिए, मीनिंगफुल लिंक्स इन द वर्ल्ड, अपने आप को इंसान अपने आप को मनवाना चाहता है, अपनी अपनी अपने होने का एहसास दिलवाना चाहता है, ठीक है, तो पर्सनल अपनी आइडेंटिटी और अपने मीनिंगफुल वैल्यूज को कायम रखने के लिए एग्जिस्टेंशियल स्कूल ऑफ थॉट्स आ रहा है। इसके आगे पीछे चलते हैं।